खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत जवाहर चौक स्थित खादी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पटेल ने खादी के वस्त्र खरीदे और कहा कि गांधी जी के 3 स्तंभ थे, जिसमें पहला स्वच्छता रहा, जिसे कल पीएम मोदी के आह्वान पर पूरा किया गया। आज स्वदेशी के तहत खादी वस्त्रों के सांकेतिक खरीद का दिन है, ताकि हम खादी का समर्थन भी करें और उसे स्वीकार कर संकल्प की मजबूती का दिन है। तीसरा है नशा मुक्ति, जिसे समाज देखता भी है और उसका अनुसरण भी करता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता स्वानुशासन के लिए है, खड़ी आत्मनिर्भर के लिए है और नशा मुक्ति आगे आने वाली पीढ़ी की मजबूती के लिए है। वहीं पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, 2003 वाला थका मका नेतृत्व है। मैं गांधी जी की जयंती पर नमन करता हूं और उनकी 3 प्रमुख बातें जो आम तौर पर समाज जीवन में हर पीढ़ी के व्यक्ति को संकल्प के रूप में लेकर आगे चलना चाहिए। उनका पहला सूत्र था नशा मुक्ति, आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाना और समाज को मजबूत बनाना, तो नशा मुक्त होना। दूसरा था स्वच्छता, आत्म अनुशासन की अगर कोई कड़ी है तो वो स्वच्छता है, जो हमको भी ठीक रखती है और हमारे पड़ोसियों को भी ठीक रखती है। और तीसरा था, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भरता में खादी का प्रयोग। मुझे लगता है कि ये त्रिवेणी है, अगर जो भी 3 इन संकल्पों के साथ अपने जीवन में चलता है वो स्वयं का भी हित करता है और समाज का भी हित करता है। और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 संकल्पों के साथ आगे चले। ये सच्ची श्रद्धांजलि बापू के चरणों में होगी। मुझे लगता है कि इसका अनर्थन नहीं लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका तय है। उनका बयान कैसे आया मैंने सुना नहीं, इसलिए टिप्पणी करूंगा भी नहीं। अभी मैं कल तक हूँ। किस पर? नहीं नहीं, अनर्थ लगाने का कोई कारण नहीं है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने गृह जिले में, जहाँ मैं पैदा हुआ और मेरी राजनीतिक शुरुआत जहाँ से हुई है। 32 साल बाद इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद मैं जहाँ वापस गया हूँ, और मुझे गर्व इस बात का है कि राजनीति की कटुता और लालच में मेरे अनुज जालम सिंह जी को मैंने साधुवाद दिया है। राजनीति में टिकट के लिए बाप बेटे लड़ते हैं, ये आपने आप दिखाते भी और देखा भी होगा। मैं अपने अनुज को साधुवाद देता हूँ और गर्व करता हूँ कि नैतिक राजनीतिक मूल्यों पर उनने जो स्थान प्राप्त किया है उसके लिए हृदय से साधुवाद। मुझे स्मरण आता है कि जब मैं संस्कृति मंत्री था और गांधी की 150वीं जयंती आने वाली थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम गांधी को कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तब उन्होंने संकल्प दोहराया था कि बापू को स्वच्छता पसंद है, क्या हम स्वच्छ भारत उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और तब दुनिया ने हमारे बारे में अनुमान लगाया था कि 2030 तक हम खुले से शौच से अगर मुक्त हो जाएंगे तो बड़ी बात होगी। पर मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हम दुनिया के अनुमान के 11 साल पहले खुले से शौच में हमने अपने आप को मुक्त कर लिया। स्वच्छता आत्म अनुशासन की पहली कड़ी है। दूसरी बात गांधी ने कही थी खादी के लिए, खादी पहनना और खादी का समर्थन करना, ये आत्मनिर्भरता का संकल्प है। और तीसरी बात गांधी ने कही थी नशा मुक्ति, यदि आप नशा मुक्त हैं तो आप आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाएंगे। और ये त्रिवेणी समाज जीवन में टकराहट पैदा नहीं करती बल्कि उसे मजबूत करती है, आपके परिवार को भी और आपके समाज को भी। और मैं मानता हूँ आज के जो दिन खादी का खरीदना आत्मनिर्भरता की तरफ उस संकल्प को समर्थन करने के लिए कदम है। कल हमने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था, आज हमने खादी खरीदी है और मुझे गर्व है कि मैं पूर्णतः नशा मुक्त हूँ। और मैं मानता हूँ कि गांधी का सिद्ध विचार आचरण उसका प्रतीक हो सकता है, शब्दों में ये व्यक्त नहीं हो सकता। कुर्ता पहनकर चलने के बाद में ये चीजें तय करना कि किस भूमिका में आप पहनोगे, ये कहने का अधिकार प्रहलाद पटेल को नहीं है। हम खादी पहनते हैं और खादी पहनते रहेंगे। सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, अल्पसंख्यकों को उनके हिसाब से पूजा पाठ नहीं करने दी जा रही।
दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं बाद में डिलीट करते रहते हैं, उन्होंने दमोह में ट्वीट कर दिया था, दमोह में ट्वीट कर दिया था। मैं उनसे निवेदन करूंगा, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, 10 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, नर्मदा की परिक्रमा भी की है, हम सब तथ्य के साथ बोलें, बेमनस को बढ़ावा ना दें, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है मैंने सुना नहीं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो अच्छा होगा। मुझे लगता है अभी बहुत नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।